हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। नोएडा से बिलोंग करती है हमारी एक व्यूअर है एनी, और क्लास 10th में पढ़ती हैं। और इन्हें एसक्यूएल क्वेरी के लिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, एसक्यूएल क्वेरी में ही करना है। तो क्या प्रोजेक्ट है इसमें इन्होंने दिया है मुझे कि इसमें स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, का नेम होगा, और फिर स्टूडेंट का क्लास वो रोमन अंकों में हम लिखेंगे, और फिर एट लास्ट स्टूडेंट का मार्क्स होगा। तो ये चीजें करनी है, तो ये चीजें साधारण तरीके से बड़े ही आसानी से हो जाती हैं, लेकिन क्वेरीज जब बनानी होती है तो उसमें एसक्यूएल का थोड़ा कोड लिखना पड़ता है। वो कैसे होगा चलिए यही देखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिख देता हूँ रोल नंबर, ठीक है, तरीका वही पुराना, ठीक है, ये करने का तो तरीका पुराना ही है। फिर यहाँ नेम ऑफ स्टूडेंट आएगा, तो यहाँ लिख देता हूँ नेम ऑफ स्टूडेंट, ओके, तो ये लिख दिया हमने। और ये करने के बाद फिर यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर आप स्टूडेंट का क्लास एंटर कर दीजिए, तो यहाँ क्लास कर देता हूँ और डेटा टाइप आपको टेक्स्ट ही रखना है। और यहाँ पे आ जाएगा मार्क्स, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मार्क्स, ओके, और यहाँ पे ये नंबर डेटा टाइप होगा मार्क्स, तो यहाँ पे नंबर कर लेता हूँ और यहाँ से व्यू पे करता हूँ क्लिक और फिर यहाँ से यस कर देता हूँ। तो ये इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा। अब करना क्या है आपको, यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख देता हूँ राम, ठीक है, और यहाँ पे क्लास तो रोमन अंकों में देना है, तो यहाँ पे देखिए ये 4 दे दिया हमने और यहाँ पे दे दिया 77 मार्क्स। और इसी तरह से यहाँ पे कर देता हूँ श्याम फॉर एग्जाम्पल, ओके, और यहाँ पे कर देता हूँ क्लास 10th, ठीक है, और यहाँ पे कर देता हूँ 56, और एट लास्ट यहाँ पे कर देता हूँ एनी, तो यहाँ पे एनी कर दिया हमने, और एनी जो है क्लास 10th की है, तो ये यहाँ पे 10th कर दिया और यहाँ पे मार्क्स कर दिया 88, ठीक है। तो ये तीन स्टूडेंट का डेटा हमने ले लिया, और ये तो जनरल तरीके से लिया। और अब इसके लिए एसक्यूएल क्वेरी बनानी है, तो क्रिएट पे जाना है और क्वेरी डिजाइन पे जाना है और यहां से क्लोज कर देना है इसको। क्लोज करने के बाद जब यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां आपको एसक्यूएल दिखाई पड़ेगा और यहीं पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अब क्या करना है ये ध्यान से समझना है, ठीक है, ये जो सेलेक्ट के बाद सेमी कोलन लगा हुआ है इसे हम हटा देंगे, क्योंकि हमने टेबल वन नाम दे रखा है अपने टेबल को, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देना है टेबल वन, जैसे दिया हुआ है हमने नाम वैसे टेबल वन हम यहाँ पे भी दे देते हैं, ठीक है। तो ये टेबल वन लिख लिया हमने, और इसके बाद डॉट लगाना है, और चूंकि हम देना चाहते हैं रोल नंबर तो यहाँ पे दे देते हैं रोल नंबर, तो यहाँ पे देना है रोल नंबर, ओके, तो ये रोल नंबर दे दिया हमने। फिर इसको क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद कॉमा देंगे, फिर टेबल वन से ही हम ले रहे हैं चीजों को, तो फिर यहाँ पे टेबल वन करता हूं मैं, लिखता हूं टेबल वन, ओके, और टेबल वन के बाद अब हमें क्या लेना है, स्टूडेंट का नेम लेना, यहां पे करता हूं नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, तो ये कर दिया हमने नेम ऑफ स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, ओके, तो ये हो गया। अब इसके बाद इस ब्रैकेट को कर देना है क्लोज और फिर कॉमा देना है, और कॉमा देने के बाद फिर टेबल वन से ही हमें लेना है, ठीक है, तो यहां लिखता हूं टेबल वन, ये दे दिया हमने डॉट। अब लेना है क्लास, तो यहां पे देख सकते हैं क्लास हमने कैसे दिया हुआ है, तो क्लास का सी कैपिटल है, तो उसी तरीके से हमें यहां पे लिख देना है क्लास, क्लास लिख दिया हमने, और फिर कॉमा देंगे टेबल वन और फिर मार्क्स आ जाएगा, ठीक है, टेबल वन से ही तो आएगा मार्क्स, डॉट एम ए आर के एस, तो ये मार्क्स भी दे दिया हमने। अब क्या करना है लास्ट में, देखिए सब कुछ हम दे चुके हैं और अब हमें फ्रॉम टेबल वन यहां पे नीचे लिख देना है फ्रॉम टेबल वन, तो बस आप नीचे आ जाइए और यहां लिख दीजिए फ्रॉम, एक्चुअली कैपिटल में लिखते हैं ठीक रहेगा, एफ आर ओ एम फ्रॉम, और फिर लिखना है आपको टेबल वन, तो यहां पे टेबल वन ये दे दिया हमने, और टेबल वन देने के बाद इसको टर्मिनेट कर दीजिए और अब यहां से सेव कर दीजिए, क्वेरी वन आ रहा है, और पैरेंथेसिस मिसिंग है एक बार, ये जो नेम ऑफ स्टूडेंट हमने दिया है टेबल वन डॉट नेम ऑफ स्टूडेंट और फिर कॉमा देना है, तो टेबल वन के बाद डॉट देना भूल गया हूं मैं, यहाँ पे डॉट दे देते हैं, बस हो गया ये काम आसान हो गया। अब इसको सेव कर लेता हूँ, ये क्वेरी रन हो जाएगी, ये तो पहले से रन है। अब ये देखिए ये जो क्वेरी बनाई हमने उस क्वेरी के आधार पर ये इस तरह से कैलकुलेट होकर आ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आप देंगे नेम वो अपने आप क्वेरी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह की क्वेरी आप लगा भी सकते हैं, बहुत ही इजी है। आगे चल करके और भी वीडियोस क्रिएट करता रहूंगा, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।